Dipya is here. Okay, so very, very hearty welcome to all of you. Greetings from me. मेरा नाम डॉक्टर सोनाली है और आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग शुरू करने वाले हैं. एंड इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू की तरफ हम एक नया कदम बढ़ा रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू बी एड्रेसिंग दिस सेशन. शुरू करते हैं और मैं एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ये क्या इनिशिएटिव है. सनराइज लर्निंग फाउंडेशन, आप सब लोग जानते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करता है. और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज हमने स्टार्ट किए थे 2018 में, जिसमें हम यंग एडल्ट्स को टीचिंग और ट्रेनिंग देते हैं इन हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स फॉर वर्क रेडीनेस. वो काम करने के लिए तैयार हो जाएं. That's vocational training courses. Last 2 years में हमारे कुछ students, in fact बहुत सारे students ने बहुत consistency और sincerity के साथ इन vocational और pre-vocational courses में काम किया है और उनमें से कुछ लोग अब they are ready to spread their wings. मतलब अब वो तैयार होने जा रहे हैं. एक push मिलते ही, थोड़ी सी polishing होते ही वो एक्चुअली रेडी हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए. वो किसी जॉब के लिए या इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं. उनको एक छोटा सा पुश चाहिए. और एम्प्लॉय स्पेशल नाम का एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था. एम्प्लॉय स्पेशल, इट इज एन एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस इनिशिएटिव. ये सनराइज लर्निंग फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है फॉर प्रोवाइडिंग वोकेशनल रेडीनेस या वर्क रेडीनेस या एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस to young adults with special needs. और अब हम इसी initiative के अंदर एक series, एक बहुत ही interesting pre-professional trainings और workshops की series start कर रहे हैं इन्हीं dynamic participants के लिए. और इस series में हमारे साथ कुछ corporates ने partner किया है and I am so honored and thankful and blessed and so grateful that some of these corporates have partnered with us for this particular initiative so that wo in young logon ke sath hand holding kar sake aur inhe incorporate kar sake in jobs ke liye. Aur aise hi ek hamare sath partner hai SAP. SAP, I'm sure kuch logon ne naam suna hoga. SAP ek aisi aisa employer hai, ek aisi organization hai, ek aisi company hai which was one of the first employers in India, जिन्होंने diversity को देखना शुरू किया था, diversity और inclusion को पे काम करना शुरू किया था, especially for autism. And SAP की vice president है Miss Meena. Meena is the vice president of SAP और वो diversity and inclusion team का part है SAP का. And she is going to be with us in this journey of hand-holding. So she is going to be a very major guide in this program. SAP जो है पूरी दुनिया में hire करता है लोगों को जिनको special needs होती है, खास करके जो autism spectrum पे होते हैं. और Meena जी की जो team है वो already काम कर रही है people with autism के साथ, उनके साथ काम कर रही है. March में हमारे कुछ sessions होंगे, एक या दो, with Meena and her other colleagues from SAP, जो बहुत actively autism और other special needs के लोगों को hire करते आए हैं, उनके साथ काम करते आए हैं, उनको train करते आए हैं और अभी भी काम कर रहे हैं. और वो लोग अपने experiences share करेंगे as employers, as a corporate. They will be sharing their experiences कि कौन कौन सी job में candidates बहुत अच्छा करते हैं, जब SAP हायर करता है तो वो क्या चीजें ढूंढता है. When the company is hiring people, वो क्या चीजें देखते हैं, ढूंढते हैं. और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एक्सपीरियंसेस हमें पता चलेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स. सब्सिक्वेंटली वी विल ऑल्सो हैव, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सब्सिक्वेंटली इसी सीरीज में वी विल ऑल्सो हैव द एम्प्लॉयज ऑन द स्पेक्ट्रम, जो अलग अलग जगहों पे SAP में काम कर रहे हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे.
एंड बिफोर वी स्टार्ट विद दोज सीरीज, इससे पहले कि हम उस सीरीज पे काम करें, बात करें मार्च में जो होने वाली है, बिफोर दैट वी हैव सम लवली इंटरैक्टिव सेशंस एंड ट्रेनिंग्स इन फेब्रुअरी. इन फेब्रुअरी टुडे इज द फर्स्ट सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सेशन जो कि मिस नुपुर रस्तोगी के साथ है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ आभार ओरा. और इस सेशन के बाद वी हैव थ्री हैंड्स ऑन सेशंस इन कंप्यूटर स्किल्स विद आर आईसीटी ट्रेनर मिस वंदना गौतम, स्पेशली फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेटा थ्रू एक्सेल शीट्स, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो वर्किंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस. सो शी विल बी टेकिंग दीज सेशंस इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. और आज एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सेशन है विद नुपुर मैम. And so lots of action is, you know, waiting to happen in this series of employee special. And for today's session, let me introduce Ms. Nupur Rastogi. She is the director at Abhar Aura. Abhar Aura ek aisi company hai that provides content development, consulting and training services and publishing services. And Ms. Nupur Rastogi is a master's in human resources and applied behavioral science from IIM Ahmedabad. And she has done a PG in instructional design. She has a diploma in training skills and a certification in psychodrama. Aur wo last 17 to 18 years se trainings provide kar rahi hain to people in various sections of professions, alag alag professions ke logon ko in terms of work culture, in terms of HR, human resources. So she's been training people since the last 18 years. And today she's here with us to talk about some basic soft skills for preparing the young people for employment. So again, an honor to welcome you, Ms. Nupur Rastogi. Over to you. And I would really appreciate agar sare participants बहुत एक्टिवली स्मार्टली सुनेंगे और इंटरैक्ट करेंगे इस सेशन में. जब मैम कोई क्वेश्चन पूछेंगी तो हम लिख के भी अपना आंसर कर सकते हैं, हम बोल के भी अपना आंसर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे तो दैट विल बी अ वेरी स्मार्ट रिस्पॉन्स, स्मार्ट वे टू इंटरैक्ट. ओके, सो लेट्स गेट गोइंग एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. ओवर टू यू नुपुर मैम. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो स्मार्टली एंड सो पेशेंटली. Thank you, Dr. Sonali, and a very good afternoon to all the participants. And I am really happy and honored to spend this afternoon with you all. And I am looking forward towards a very good interaction with you. So first and the foremost thing that I would like to say is that after I share my views and my information, you may please ask your questions. So I'll be happy to answer them. And सबसे अच्छा होगा कि हम लोग मिलकर इसको एक discussion की तरह से लेके चलें and we interact more and more. But before we move forward, all I want to know is कि आप लोगों का आज mood कैसा है, इस time आपका mood कैसा है. आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो ओके ओके है, बहुत अच्छा है या खराब है. आई होप इट शुड बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू. सो हाउ इज योर मूड टुडे? ओके, श्रेयन सेज दैट ही इज हैप्पी. Saksham is happy. Pooja is also very happy. Reena is happy. Okay. Ishan, Arnab, Divya is happy. Okay. Charu is happy. Fine. Okay.
Okay. Anyone else? Rishit is happy. Okay. Muskan. So shall we proceed? Everybody is happy. It seems everybody is very happy. Great. So I think everyone is excited to learn and interact. So we'll move forward. So there are many a times, बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ लिमिटेशन है या कुछ लोग हैं वो बहुत सारी चीजें हमसे अच्छी तरह कर सकते हैं, कुछ अलग चीजें कर सकते हैं और कुछ कुछ में ज्यादा IQ है या कुछ बहुत इंटेलिजेंट है या कोई लोग टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग है. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बात कि देयर इज नो स्टैंडर्ड ब्रेन. ब्रेन जो है, सारे ब्रेन्स जो है वो अपने आप में यूनिक है, वो डिफरेंट है. And every member has a distinct advantage. हर इंसान की, हर ब्रेन की एक अपनी खूबी है, एक अपनी क्वालिटी है, एक अपनी ताकत है. तो इसीलिए अभी जो कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टैलेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन्स. मीन्स दैट दे इंक्लूड एवरीवन. They include everyone who is also differently able. So, इनमें से कुछ कंपनी है ऐसे भी, जैसा अभी सोनाली मैम ने भी बताया हमें, एंड उनके बारे में हमें अभी और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी जब हमारे डायरेक्ट सेशन होंगे. देन वी हैव HP इंटरप्राइज. HP इंटरप्राइज इज द सेम जिसके आपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा वो सारी चीजें देखे होंगे. And then we have Microsoft, Ford, Ernst & Young and many more. ये तो कुछ MNCs हैं. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे और बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ओपन है towards giving अपॉर्चुनिटीज to the different brains. So the only thing is that we have to be confident. हमें अपने ऊपर ये विश्वास रखना होगा कि हम capable हैं. हम भी सब लोगों की तरह इन organizations में एक normal job कर सकते हैं और वो job करने के लिए हम अब तैयार हैं. So I want to know from you. आप लोग chat box में type कर सकते हो कि आपकी क्या aspiration है. आप ऑफिस में काम करना चाहते हो, कैफे में काम करना चाहते हो, स्टोर में काम करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू वर्क इन अ सैलून, या आप टीचर बनना चाहते हो, या आप कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो. तो देयर आर दीज ऑप्शंस जो आप यहाँ साइड में देख रहे हैं. और अगर उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं. यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? So I am waiting for your responses. Okay. 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 So here I see कि हम लोग कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, ऑफिस वर्क अंडर सुपरविजन, कंप्यूटर टू बी अ म्यूजिक टीचर, ओके टू बेक द केक, ओके, यस.
म्यूजिक एडिटिंग भी लिखा है. ओके फाइन वेरी गुड. यू कैन ऑल्सो ऑप्ट टू ऑप्शंस. आप दो ऑप्शंस भी बता सकते हैं. देयर इज नो लिमिटेशन. आप दो ऑप्शन भी बता सकते हैं. ओके ओके एनीवन एल्स. ऑफिस वर्क, टीचिंग वर्क एंड डेकोरेशन. फाइन. और आप डेकोरेशन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा भी सकते हो. आप आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भी बन सकते हो. तो यू कैन एक्चुअली डू बोथ द थिंग्स. कैफे एंड कंप्यूटर्स, यस. टीचिंग डांस, यस. वेरी नाइस, वंडरफुल. तो एनीवन एल्स, सबने अपने ऑप्शंस लिख दिए हैं. शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस यस, वी कैन मूव फॉरवर्ड. यस ओके ओके. बट आई एम रियली सो हैप्पी दैट पीपल हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ द ऑप्शंस व्हिच दे वांट टू which they want to pursue and this is really good. क्योंकि अगर आपका गोल सेट है तो तब आपको मालूम होता है कि आपको और क्या क्या चीजें करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए. गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप. तो अगर इफ यू हैव डिसाइडेड कि वट काइंड ऑफ ऑप्शन यू वॉन्ट टू परस्यू, आप आगे क्या करना चाहते हो, तो देन थिंग्स रियली बिकम वेरी इजी फॉर यू. There is a decoration. Somebody has written decoration. This is great. Yes. So for decoration and for crafts and these things, there are many event companies, event management companies होती हैं जहाँ पर इस skill set की requirement होती है. उसके अलावा बहुत सारी packaging companies होती हैं. गिफ्ट शॉप्स होती हैं या गिफ्ट पैकेजिंग लार्ज स्केल यूनिट्स होती हैं जहां पर इस तरह के स्किल सेट की बहुत जरूरत होती है. तो दैट्स रियली अमेजिंग. या अभी हम बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो स्पेसिफिकली एक न्यूरोडाइवर्स वर्कफोर्स में ज्यादा होती हैं. तो everyone understands and appreciates कि जो एक हमारे neurodiverse workforce है, they are really very creative. उनमें creativity बहुत अच्छी होती है. मैंने खुद बहुत अच्छे paintings देखे हैं, बहुत अच्छा handicrafts देखा है in sunrise shop and also in many other different places. Then another thing is that they are so full of energy and passion. उनमें बहुत energy होती है and their energy is very focused and channelized. So and they have very good attention to detail. वो हर detail, हर pattern को, हर एक चीज को बहुत अच्छे से follow कर सकते हैं, notice कर सकते हैं. So these kind of skills are very important, especially in office. जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या इनफैक्ट अगर आप किसी स्टोर या शॉप में भी काम कर रहे हैं, देन ऑल्सो दिस पर्टिकुलर स्किल इज अ लॉट ऑफ यूज. देन फोकस एंड दैट दे आर वेरी सिस्टमैटिक. दे आर नॉट हैफजर्ड. दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड वो लोग बहुत अच्छे से अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं. दे नो कि उनके टाइमलाइंस क्या है एंड दे आर रियली वेरी पंक्चुअल. सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज. कुछ क्वालिटीज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है, पर इसके अलावा भी और बहुत सारी क्वालिटीज हैं. एंड आई वुड रियली लाइक टू नो कि आप मुझे अपनी क्वालिटीज बताओ. अपनी कोई भी दो या तीन क्वालिटीज आप चैट में लिख सकते हो, विच यू थिंक आर योर क्वालिटीज, विच आर योर strengths.
आप चैट में लिख सकते हो जो क्वालिटी या कोई ऐसी क्वालिटी जो आप डेवलप करना चाहते हो, आप वो भी लिख सकते हो। ओके, ऑब्जर्वेशन स्किल, यस। म्यूजिक, फाइन। ओके, और कोई क्वालिटी और कोई स्ट्रेंथ? एनर्जी, वेरी नाइस। ओके, एडिटिंग इन कंप्यूटर, यस, देयर विल बी फर्दर क्लासेस विच वन्ना मैम विल बी टेकिंग, एंड ऑफ कोर्स आई होप that she will help you with this. Okay, so Shreyam, you like art, and that means you may also be very very creative. Dance, painting, okay, memorizing and observing. Okay, Muskan, very good, good. Okay. ओके, फाइन। सो वेरी गुड एट फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, इट इज समथिंग विच एवरी वन हैज टू फॉलो। जो भी ऑफिस में किसी या किसी भी फॉर्मल सिस्टम में जाता है काम करने के लिए, उनको वहां के रूल्स, वहां के प्रोसीजर्स को समझना और उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। फाइन, ओके, ओके। कुकिंग, डांसिंग, कलरिंग, योगा, so I really see that there are so many capabilities and people are really very skilled and they want to do so many things. वो इतनी सारी चीजों को करना चाहते हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, उनमें ये डिजायर है, ये उनका फोकस है टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल एंड टू गेट एम्प्लॉय। फाइन, सो अब हम आगे और भी स्किल्स की बात करते हैं। आपने सोचा होगा कि अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं तो कि सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं और हार्ड स्किल्स क्या हैं। सो हार्ड स्किल्स आर लाइक टाइपिंग और म्यूजिक, पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग और कंप्यूटर और एनी काइंड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क। और वर्किंग इन द कैफे। सो ऑल ऑल दीज थिंग्स आर द हार्ड स्किल्स। तो जो जो आप काम करने की जो आपकी आर्ट है वो आपकी हार्ड स्किल्स है, एंड आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपके बिहेवियर से रिलेटेड हैं। क्योंकि जब आप काम करोगे तो आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, आप एक सिस्टम का पार्ट बनोगे, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से भी आप बहुत सारी चीजें करोगे। तो दीज सॉफ्ट स्किल्स आर कम्युनिकेशन, के आपको दूसरों के साथ कैसे बात करनी है, किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट करना है, अगर आपको कोई लेटर्स या मेल्स लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, और आप जो वो ऑफिस इन्वायरमेंट के या वर्क इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को कितना फ्लेक्सिबल रखते हो, अपने रूटीन में क्या कुछ चेंजेस कर पाते हो उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपको शुरू में 5 या 6 काम बताए गए हैं, उसके बाद सडनली देयर इज अ शिफ्ट इन रिक्वायरमेंट, एंड देन आर यू एबल टू वर्क इन अ न्यू ऑर्डर एंड एज पर द न्यू शेड्यूल। कैन यू लीड, क्या आप लीड कर सकते हो, आप
टीम में दूसरे लोगों के साथ मिलके काम कर सकते हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि जब आप ऑफिस में जाओगे, आप काम करोगे, हर काम को स्टार्ट करने का और फिनिश करने का एक टाइम एस्टिमेशन होता है, एंड विद इन दैट टाइम वी आर सपोज टू फिनिश दैट पर्टिकुलर टास्क। इसके अलावा जो मीटिंग्स होती हैं, या अगर हमें ऑफिस में ही लंच करना है और वी आर एग्जॉस्टेड, वी नीड अ स्मॉल ब्रेक और रेस्ट, बट एवरीथिंग हैज टू बी मैनेज इन अ वे के जो हमारा काम है, जो हमारे टास्क हैं, उनकी टाइमलाइंस बहुत ज्यादा इफेक्ट ना। एनी क्वेश्चंस? Any questions? Everybody is listening very smartly. They are all sitting smartly and listening to every word. Very good. Good listening. Mm-hmm. Very Any nice. Questions? Ma'am is asking. Listening is also a very good soft skill, actually. It is the part of good communication. Doubt in time management. Okay. Fine. So, can you explain what we can discuss the doubts after this issue? Fine. Yeah. I will note this point and we can discuss. So now I'll move to the next one. So, for today, see, there are number of soft skills, but for today, we are going to focus on only five of them. These are appearance and hygiene. कि हम जब घर में रहते हैं तो हम कैसे भी रहते हैं, it's still okay. But जब हम video call पर आते हैं तो then we at least look at the mirror and we see कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे बाल हैं वो ठीक है कि नहीं, हमने कपड़े अपने जो है ठीक से अरेंज करके पहने हुए हैं, आर वी लुकिंग स्मार्ट एंड ऑल। सो एंड द सेम वे व्हेन वी आर गोइंग टू अ सिस्टम, जब हम किसी फॉर्मल सिस्टम में जा रहे हैं, चाहे हम स्कूल जा रहे हैं, हम किसी क्लासेस को अटेंड करने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, या हम ऑफिस में जा रहे हैं, या हम किसी कैफे में जा रहे हैं, किसी शॉप पर जा रहे हैं, अपना काम करने जा रहे हैं, सब जगह जाते हुए हमें खुद पर, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। वी नीड टू चेक दैट द क्लोथ्स वी आर वेयरिंग आर क्लीन एंड वी आर हाइजीनिक एंड वी आर होल्डिंग अ गुड अपीयरेंस। देन वी नीड टू नोट कि हमको कैसे कम्युनिकेट करना है, वॉट इज राइट, वॉट इज रॉन्ग, एंड इन रिटन कम्युनिकेशन हमको क्या क्या ध्यान रखना है, हमें अगर सीनियर से बात करनी है तो क्या ध्यान रखना है, हम अगर मीटिंग में है तो हमें किस टाइम बोलना है, हमें बोलने से पहले परमिशन लेनी है, एंड ऑल दैट। देन शेड्यूल एंड टाइम, जिसकी हम अभी भी बात कर रहे थे कि आप जो भी काम शुरू करेंगे उसको आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे फिनिश करना होगा, ऑफिस अगर आपको पहुंचना है तो एक पर्टिकुलर टाइम है, आपको उसी टाइम पर ऑफिस पहुंचना होगा, देन यू विल फिनिश द ड्यूटी आवर्स एंड ओनली देन यू विल कम बैक टू होम। एंड देन हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल और बुलिंग, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस समटाइम्स कि कोई लोग बुली करने लगते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो हमें उन सिचुएशंस में क्या करना है, और अदरवाइज ऑल्सो अगर हमको गुस्सा आ रहा है, वी आर फीलिंग बैड, वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ मेल्टडाउन्स, तो हमें उन मेल्टडाउन्स को कैसे हैंडल करना है। ओके, there is anything else which you think जो आपको लगता है कि इसमें हमें इंक्लूड करनी चाहिए थी, आप मुझे अपना इनपुट दे सकते हो चैट बॉक्स में और उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, यस, आई विल कम टू दिस पॉइंट कि हाउ कैन वी मैनेज एनी मेल्टडाउन इफ इट हैपेंस टू एनीवन। फाइन, विल कम टू दैट पॉइंट। एनी अदर थिंग
which you think should have been covered here? कोई और ऐसी चीज़? मैम, यस बोलिए मैम, आपका नाम क्या है? आई एम नूपुर, नूपुर रस्तोगी. गुड मॉर्निंग नूपुर मैम. गुड मॉर्निंग आर्यन. आर्यन नहीं. गुड पूजा. ओ गुड आफ्टरनून. अक्षत म्यूट करके बैठेंगे बेटा, मैम की बात सुनेंगे. ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन में बात करेंगे. ओके फाइन. आफ्टर द सेशन वी कैन हैव अ टॉकिंग टाइम. ओके वेट करेंगे अभी. यस यस आई एम प्रॉब्लम इन ट्रैवलिंग समवेयर एल्स और समथिंग. पर मैम कोई ऑनलाइन जॉब या कुछ ऐसे कुछ होता है तो फिर उसमें मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो मतलब कि क्या है, जैसे अगर दो तीन काम होते हैं, जैसे एक काम ये भी करना है दूसरा भी करना है और दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसमें कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं? अगर दोनों में कंफ्यूजन है और दोनों काम आपको एक ही सुपरवाइजर ने या एक ही अथॉरिटी ने दिए हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मैम कौन सा काम जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको किसी काम में कोई मुश्किल है तो आप वो भी बता सकते हो कि मुझे इस काम में ये प्रॉब्लम है, तो अगर टास्क ए और टास्क बी है तो मैं कौन सा वाला पहले करूं. मैम जैसे क्या है कि सब लोगों को जैसे ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ऐसा ऑनलाइन कुछ जॉब्स का कुछ ऐसा मिल सकता है? हाँ अभी तो ऑनलाइन जॉब्स आ रही हैं ऐसी, तो देयर आर ओपनिंग्स विच आर कमिंग अप, और अब कंपनीज भी कोशिश कर रही हैं धीरे धीरे कि बहुत सारी चीजों को वो ऑनलाइन करेंगी और एम्प्लॉयज को घर नहीं बुलाएंगी. बट उसमें अपनी थोड़ी सी ये लिमिटेशंस होती हैं कि आपको गाइडेंस नहीं मिल पाता टीम का, आपको बाकी लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता, सारी चीज आपको अकेले ही करनी होती है. तो दैट इज देयर, सो एवरीथिंग हैज एन एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज, राइट? या So we move to the next slide. और यहाँ हम बात करेंगे क्लियर कम्युनिकेशन की. बहुत बार ऐसा होता है जब हम बात कर रहे हैं या हम किसी की बात सुन रहे हैं, कुछ लोगों ने कोई किसी ने या किसी अथॉरिटी ने या हमारे टीम मेंबर ने कोई बात कही, हमको ठीक से समझ नहीं आई, तो हम वेट करेंगे कि वो अपनी बात को कंप्लीट करें और हम उसके बाद उनसे फिर से पूछेंगे कि हमको इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए. सेम वे अगर हमें अपनी बात कहनी है तो हम अपनी बात को क्लियर करेंगे, क्लियरली बोलेंगे. अगर हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हमें लगता है हम पॉइंट्स को भूल जाएंगे, तो वी कैन ऑलवेज राइट देम डाउन, कीप विद अस. और अगर हमें लगता है कि हम बोल के बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो कहीं कहीं पर हम जो है ईमेल को भी यूज कर सकते हैं, पर ऐसा हम हर जगह नहीं कर सकते. अगर आप एक कैफे की सेटिंग में हो या आप किसी शॉप पर काम कर रहे हो, तो आपको बोल के और सुन के ही जो है इंटरेक्शन कंप्लीट करना होगा. देन कम्स द लिसनिंग स्किल्स, तो विच आई ऑलरेडी सेड यू ऑल हैव रियली वेरी गुड लिसनिंग स्किल्स. आप बात को ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे, और अगर आपको लगता है कि आप क्रॉस चेक करना चाहते हो बात को, तो आप उसको रिकन्फर्म कर सकते हो कि अगर आपको बोला गया है कि आपको डेली के फाइव कैंडल्स प्रिपेयर करने हैं, तो देन यू कैन से कि ओके आई हैव टू प्रिपेयर फाइव कैंडल्स डेली. और यू कैन से अगर आपको उसमें कोई चैलेंज है, आपको लगता है कि आपको जल्दी घर जाना है, आप फाइव नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो आप क्लियरली बताओगे कि आप फाइव कैंडल्स आज नहीं बना पाओगे या फोर बना पाओगे. तो ऑलवेज कीप द अथॉरिटी और योर सुपरवाइजर इन्फॉर्म्ड.
ऑफ द थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो, जो आपके प्लान्स आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में आप बता सकते हो. अगर आपको अनइजी फील होता है, गुस्सा आता है, या कोई भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करने का मन करता है, आपको डांस करने का मन करता है, समर्स होती हैं तो आपको लगता है बार बार यू वॉन्ट टू टेक अ शावर. सो दीज थिंग्स यू कैन डू एट होम ऑन, बट आप ऑफिस में ये चीजें नहीं कर सकते. अब अगर आप घर पे हैं तो आपको जब भी मन करेगा तब आप फ्रिज खोलेंगे और खाना खाएंगे, या आप खुद भी प्रिपेयर मैगी प्रिपेयर करके खा सकते हो, वो चीजें कर सकते हो. पर जब आप ऑफिस में हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा टिल द लंच टाइम, और फिर आप लंच टाइम में जाकर जो है तब आप खाना खाओगे. सो ऐसे ही लाइक वाइज फॉर सो मैनी अदर थिंग्स यू हैव टू कीप द सेल्फ कंट्रोल. या अगर कोई पार्टी होती है, कुछ इस तरह का इवेंट होता है, तो देयर ऑल्सो यू हैव टू कीप दिस कंट्रोल. वी विल टॉक अबाउट दिस मोर इन द कमिंग स्लाइड्स. अपीयरेंस एंड हाइजीन. अभी इसमें आप मुझे ये बताओ कि ये जो है दिस इज पर्सन ए, ये जो एक लंबे बालों वाला टी शर्ट वाला पर्सन है, और ये है पर्सन बी हु इज इन द फॉर्मल शर्ट. तो आप बताओ कि अगर ऑफिस में मुझे किसी को सेलेक्ट करना है, किसी को जॉब देनी है, तो मैं ए पर्सन को दूंगी या बी पर्सन को? ओके, आप टाइप कर सकते हो बी. ओके 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 फाइन राइट. तो आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर आपको एक ऑफिशियल सिस्टम या ऑफिशियल सेटिंग में जाना है तो आपको खुद को ग्रूम्ड रखना होगा. You have to keep yourself tidy, formal, and very, very neat in appearance and look. Okay? Yes? So, अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, so this kind of dress, this is a casual casual clothing. तो आप कोई कोई जो सिस्टम है, कोई कंपनीज है, वो अलाउ करती हैं कि आप ऐसे जा सकते हो, और कुछ कुछ कंपनीज है वो कहती हैं कि आप फ्राइडे को ऐसे कैजुअल कपड़े पहनकर आ सकते हो, बट रेस्ट ऑफ द डेज आपको सेमी फॉर्मल या फॉर्मल में ही आना है. तो एंड दिस वन इज सेमी फॉर्मल एंड दिस इज फॉर्मल. तो मोस्टली आप जब किसी सिस्टम में जाते हो तो या तो वहां पर यूनिफॉर्म होती है या वहां पर एक ड्रेस कोड होता है जो आपको फॉलो करना है. अगर आप किसी सुपरमार्केट में, किसी कैफे में वर्क कर रहे हो तो वहां पर एक यूनिफॉर्म मोस्टली होती है, या और दे प्रोवाइड देयर ओन टी शर्ट्स एंड जैकेट्स. एंड इफ यू आर इन ऑफिस then they tell you for a dress code कि आपको मंडे टू थर्सडे जो है फॉर्मल वेयर उसको फॉलो करना है, एंड फ्राइडे को सम ऑफ देम गिव द रिलैक्सेशंस. कुछ लोग रिलैक्सेशन देते हैं कि आप फ्राइडे को कैजुअल ड्रेस में आ सकते हैं. उसके अलावा इफ इट इज ओनली फॉर मेल्स, एंड इफ यू आर अ मेल, अगर आप बियर्ड रखे हो तो आपको ये ध्यान रखना है दैट यू ट्रिम इट प्रॉपरली, एंड इफ योर हेयर शुड हैव लिटिल बिट ऑफ ऑयल और यू शुड अप्लाई अ जेल, दे शुड नॉट बी स्कैटर्ड एंड शैबी. सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. यू हैव टू keep on take care of all other hygiene as well, like your eyes and your teeth etc. So एक grooming checklist है जो मैं बाद में मैम के साथ share करूंगी. आप लोग उस checklist को देख सकते हो, and then you can
check for yourself that are you ready or do you know that what are the things which you need to follow. Okay. There is a point that Vanna ma'am has just pointed out, and I'll also review it with all the participants here. जैसे हम हमेशा आपको यही याद दिलाते रहते हैं कि जब भी आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हो तो उस सिस्टम के गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं. तो जस्ट लाइक स्कूल इज अ सिस्टम, वर्क प्लेस इज अ सिस्टम. तो वर्क प्लेस के मैम ड्रेस कोड्स आपको बता रही हैं, इसी तरह स्कूल के भी ड्रेस कोड्स होते हैं. स्कूल में जैसे यूनिफॉर्म होती है, सो यू हैव टू बी नीटली ड्रेस्ड, स्मार्टली ड्रेस्ड एंड फॉलो द यूनिफॉर्म, जो हमें वंदना मैम ने अभी पॉइंट मेंशन किया. सो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, आपको ऑलरेडी फेमिलियर हो आप कि ड्रेस कोड क्या होती है और कैसे स्मार्टली ड्रेस होना है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, है ना. गुड. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट बॉयज एंड वी विल आल्सो नीड टू टॉक अबाउट गर्ल्स नाउ. सो दिस इज कैजुअल. सो समटाइम्स when you are just going for an extra class or something, या आप अपने parents के साथ कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो it is okay to dress like this. But जब हम एक formal system में काम करते हैं तो this is the Indian dress. This is again a formal dress. सलवार सूट आप पहन सकते हो, चूड़ीदार और कुर्ता आप पहन सकते हो, आप साड़ी पहन सकते हो, आप प्लाजो सूट पहन सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो वेयर ट्राउजर्स एंड कोट. सो ऑल दीज आर द फॉर्मल वेयर्स. फाइन. तो अभी जैसे बॉयज के लिए हमने बताया कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइज सिस्टम या सेटअप में जाओगे तो आपको एक फॉर्मल ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म कोड फॉलो करना होगा. So now we'll go for one small activity, and I will ask you that if this is a formal or a casual. So आपके पास ये दो pictures हैं, one and two. आप इसमें से बताओ कि कौन सा वाला formal है और कौन सा casual है. Then third one, if it is formal or casual. Fourth and fifth. आपको बताना है कि कौन सा नंबर फॉर्मल है और कौन सा कैजुअल है. तो आप नंबर लिखो और आप उसके सामने लिख दो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग इफ इट इज फॉर्मल और इट इज कैजुअल. Okay. Six and seven are formal. Yes, right. Fourth is casual. Yes. Three and six are formal. Absolutely right. Fine. Yes. Very nice. Very nice. Which means that you all know the difference between the formal and casual, and you are wise enough to decide how you have to dress up for work. जब आपको काम के लिए जाना है तो आपको कैसे dress up करना है. Now again there are few things to remember. तो पहली चीज जो है वो है office hours, office timings.
या जिस भी सिस्टम के लिए आप जा रहे हो, आप अगर जाके काम कर रहे हो तब भी, और अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तब भी, आपको ऑफिस आवर्स को रेस्पेक्ट करना होगा। आपको अपना काम ऑफिस आवर्स में शुरू करना होगा। अगर शॉप या कैफे है तो उसके कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स होंगे, ओपनिंग टाइमिंग्स, वो आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप टीचर हैं, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये फॉलो करना होगा कि आपकी क्लासेस किस टाइम पर है, यू नीड टू बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम एंड टेक अप दोस क्लासेस। देन अबाउट ड्रेसिंग प्रॉपरली, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं कि हमें प्रॉपरली ड्रेस होके जाना है, जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना है। उसके बाद बात आती है कि अगर हम ऑफिस में हैं तो व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू फॉलो एंड वी हैव टू ईट समथिंग इन द ऑफिस पेंट्री। अगर आप ऑफिस पेंट्री को यूज कर रहे हो तो वहां पर कॉफी और टी अगर अवेलेबल है तो मोस्टली आप उसको अगर खुद बनाते हैं तो यू हैव टू सी कि आप उसको क्लीन एंड टाइडी रखें। अगर कुछ गिर गया है तो यू हैव टू पिक अप अ टिश्यू एंड वाइप इट ऑफ। अगर वहां पर कोई अटेंडेंट है तो आप उसको बता सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पेंट्री में जाएं तो वहां ऑलरेडी काफी सारे लोग ऑलरेडी हो एंड देयर आर सम पीपल हु माइट हैव ब्रॉट समथिंग फ्रॉम होम। सो इट इज नॉट एसेंशियल कि दे विल ऑफर यू समथिंग। यू शुड नॉट एक्चुअली आस्क देम फॉर शेयरिंग इवन इफ दे ऑफर, इट इज ओके टू पोलाइटली रिफ्यूज दैट। एंड दिस अपार्ट मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि कुछ स्मॉल सेलिब्रेशन होते हैं, एक टीम का बर्थडे है, मैं किसी का बर्थडे है, या टीम का कुछ किसी प्रोजेक्ट में बोनस मिला है तो दे आर सेलिब्रेटिंग एंड देन ऑल्सो दे सम एट टाइम्स यूज पेंट्री। सो इफ देयर इज समथिंग लाइक दिस हैपनिंग देन आप अटेंडेंट को बोल सकते हैं, वो आपको डेस्क पे सर्व कर देगा कॉफी इफ दैट इज द सिस्टम, इफ दैट इज अलाउड इन योर सिस्टम। अदरवाइज यू मे गो देयर अ लिटिल लेटर। देन देयर आर टाइम्स कि हमें एकदम से लगता है एब्रप्टली भूख लगाई, या हमें हम सुबह जो है देर से उठे, हम जल्दी जल्दी तैयार हुए एंड वी स्किप द ब्रेकफास्ट और वी हैड वेरी लिटिल, और हमारा जो सिस्टम है जहाँ हम गए हैं या स्कूल है वहाँ का लंच टाइम है 12 o'clock, हमको 11 o'clock से भूख लग रही है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो इट इज ओके टू समटाइम्स कीप स्मॉल पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स और सम ईटेबल विद यू एंड क्वाइटली ईट इट। बट द बेस्ट थिंग इज सिंस यू हैव ग्रोन अप और अब आप एक प्रोफेशनल हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको अपना काम भी टाइम से कंप्लीट करना है, तो यू हैव टू डेवलप सम काइंड ऑफ रेस्ट्रेंट। आपको थोड़ा सा कंट्रोल सीखना होगा। सो दिस इज सम काइंड ऑफ कंट्रोल विच यू हैव ऑल्सो प्रैक्टिस इन योर स्कूल लाइफ, कि जब हम स्कूल में भी थे तो हमारे क्लासेस होते थे, हम क्लास के बीच में तो खाना नहीं खाने लग जाते थे ना, हम लोग सब वेट करते हैं कि कब रिसेस होगा, कब ब्रेक होगा, एंड देन वी विल ओपन आवर ओन टिफिन बॉक्स विच आवर मॉम हैज पैक्ड एंड वी विल हैव फूड फ्रॉम दैट ओनली। नेक्स्ट इज अबाउट द कंफर्टेबल डिस्टेंस। So I am sure that because of this coronavirus, now everyone is maintaining distance while they are talking to each other. Is it true? Are we maintaining distance when we speak to each other? You can answer in the chat box also. Yes, I am getting the answers. Yeah, yeah, fine. Yes, yes. So same thing we have to follow whether we are talking to a male or we are talking to a female, हम उनके बहुत ज्यादा पास जाकर खड़े नहीं होंगे। In the same way, if there is some other person who is standing very close to you,
And if you are feeling uncomfortable or the person is touching you, which you are not liking, तो आप उनको politely बोल सकते हो that you do not prefer this or you do not like to be disturbed in this way and it is better to maintain a distance. Then while we are speaking in a meeting, what are the meeting protocols? So in a meeting there is an agenda, हर meeting का एक topic होता है. तो इट इज बेटर कि जब आप कोई बात करें तो आप उस मीटिंग में उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे. आप सपोज कीजिए कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इट कैन बी अ स्पोर्ट्स मीट इन योर स्कूल एंड यू आर अ टीचर. नाउ व्हाइल द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज अ स्पोर्ट्स मीट, you will not talk about any different topic in that. आप उसमें जो है transportation के जो problems हो रहे हैं उसकी बात नहीं कर सकते. आप उसमें किसी अपने students के personal कुछ आपको plans हैं वो discuss करने, आप उसके बारे में उस meeting में बात नहीं करोगे because the main agenda of the meeting is sports meet and you need to focus on that. और अगर meeting में कोई कुछ बोल रहा है आप उस point को agree नहीं करते हो, once the person finishes speaking, then you will wait for your turn to express your opinion, to express your views on that particular point. दूसरी बात, अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी या आपको लगा कि किसी ने आपको पॉइंट आउट किया, समवन हैज टोल्ड कि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो आप वहां गुस्सा नहीं होगे, आप एक जस्टिफिकेशन दोगे, आप रीजन बताओगे कि व्हाई दिस थिंग एक्चुअली हैपेंड. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? Fine. I move to the next one. So we are talking about communication skills. So this in itself is a very very vast topic. So what all is there in the communication skills? The way you talk, आप कैसे बात कर रहे हो, आप किन words को use कर रहे हो. Can I just interrupt here for a second? Yes, sure. Since it is already going to be 5 very soon and we also have the next session, so can we do the communication skills in the next session and do the role play now? Is it all right? Definitely, because I really anywhere need more sessions, at least 2 sessions for this. So we can keep this part for the next session and let's do the role play for now. Fine. So now let us have a hiring discussion. So Sonali ma'am will be the authority and I am the person whom she is hiring. So are you ready, Sonali ma'am, for the play? Yes, I'm ready. I'm ready. Perfectly fine. Hello, Dr. Sonali. I am so happy that you have provided me this job opportunity. So, अब मैं next week से आना शुरू करूंगी और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे as a sports teacher appoint किया है. तो मैम मैं किसी भी time आ सकती हूँ ना? Sunrise, at any time I can come. नहीं नुपुर बेटा, my voice is echoing ना? Because voice नहीं हो रही ना मेरी. ओके ओके सो नुपुर बेटा, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पर जॉब करने आए हो सनराइज लर्निंग में एज अ स्पोर्ट्स टीचर. वी आर सो हैप्पी टू हैव यू. लेकिन हर जॉब के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, ठीक है? हमारे स्कूल के टाइमिंग्स हैं, तो आपकी जॉब के भी फिक्स टाइमिंग्स होंगे. आपको अपनी फिक्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग आना होगा. आपके टाइमिंग होंगे 9 AM to 5 PM, तो आपको उसी टाइमिंग में आना होगा. ओके, 9 AM.
9 AM पे तो मैं जॉगिंग करने जाती हूँ और मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा पास में ही है, तो मैं जॉगिंग करते करते आ सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। जॉगिंग करते करते आप नहीं आ सकते, अगर आप जॉगिंग जाओगे उसके बाद आपको घर जाके शावर लेना होगा, शावर लेके फ्रेश अच्छे से स्मार्ट कपड़े पहन के फिर आप जॉब पे आओगे। यू आर अ टीचर सो यू हैव टू लुक लाइक अ टीचर, ठीक है? सो यू हैव टू गो होम, टेक अ शावर, गेट रेडी एंड देन कम फॉर द जॉब। ओके, आई कैन डू दैट, ठीक है। मेरा एक और फ्रेंड है, वो उसके पास कार है, वो इधर से जाता है, मैं उसके साथ आके उसको अपनी हेल्प के लिए भी बुला सकती हूँ ना, समटाइम्स यू कैन कम एंड हेल्प मी इन, बिकॉज स्पोर्ट्स में इतने सारे लोग होते हैं, सो हाउ आई विल मैनेज एवरीवन अलोन। ओके नुपुर, सुनो ध्यान से सुनेंगे अब। आप जॉब कर रहे हो, ये जॉब आपको मिल रही है, ये जॉब किसको मिल रही है? नुपुर रस्तोगी को। तो सारा काम कौन करेगा? नुपुर रस्तोगी सारा काम करेगी। जो भी काम आपको दिया जाएगा वो काम आपको करना है, ठीक है? तो आपका कोई फ्रेंड आपके साथ स्कूल नहीं आ सकते हैं। जब आप जॉब पे आओगे आप स्मार्टली ड्रेस होके अपने टाइम पे अकेले आओगे और वो सारा काम आपको ही करना है। टीम आपके साथ है और टीम आपको साथ देगी। ओके ईशान, कोई बात नहीं, इफ यू डोंट लाइक इट इट्स ओके, बट यू आर अ गुड लिसनर एंड यू हैव टू ट्राई टू लिसन। ठीक है, ठीक है नुपुर, समझ में आ गया? हाँ, बाकी सब चीज ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे उठने में देर हो जाती है, या अगर मेरा आने को मन नहीं है, या अदरवाइज आई एम नॉट इन अ गुड मूड, तो फिर मैं ऐसे ही छुट्टी ले सकती हूँ ना उस दिन कभी भी। अगर ओके कोई बात नहीं, अगर आपको कभी छुट्टी लेने की जरूरत हो, अगर आपको लगे कि आप नहीं जा पा रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इन्फॉर्म करोगे। आप कैसे इन्फॉर्म करोगे? आप एक ईमेल लिख सकते हो, आप एक मैसेज भी कर सकते हो ये बताने के लिए कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन क्योंकि इट्स अ जॉब और आपके स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, इसलिए ऐसे छुट्टी नहीं ले सकते। जब तक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इमरजेंसी रीजन ना हो तब तक आप छुट्टी नहीं ले सकते, ठीक है? और छुट्टी लेंगे तो इन्फॉर्म करेंगे, ईमेल करेंगे इन एडवांस। ईमेल किसको करनी होगी? आप हेड को ईमेल कर सकते हो, आप कोऑर्डिनेटर को ईमेल कर सकते हो। देयर इज वन कॉमन ईमेल जो हर वर्क प्लेस में दी जाती है। हम भी आपको ईमेल आईडी देंगे, जिस ईमेल आईडी पे आपको हमेशा इन्फॉर्म कर रहे हैं कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इन एडवांस आपको इन्फॉर्म करना है। आपको ब्रेक लेना है, इन्फॉर्म करना है, छुट्टी लेनी है, इन्फॉर्म करना है, लेट हो जाओगे इन्फॉर्म करना है। ओके ओके, देयर इज वन स्मॉल क्वेश्चन, समटाइम्स आई गेट हंग्री एंड देन इज इट ओके आई कीप सम बिस्किट्स एंड चिप्स विद मी इन माय बैग एंड आई कैन कीप एट माय डेस्क, मैं उसे कभी भी जब भी मुझे भूख लगेगी मैं कभी भी खा सकती हूँ, फिर उसे मैं अपना सामान खुद लेकर आऊंगी। नुपुर ऐसा है, we have timings, we have an 11 a.m. tea break time and we have a 1 p.m. lunch time. ये दोनों टाइम पे आप अपना टिफिन या अपना स्नैक खा सकते हो। अगर इन द मिडल ऑफ वर्क आपको बहुत जोर से भूख लगे, आपको खाने का मन है, तो आप क्वाइटली बाहर जाके क्विकली इन अ 1 or 2 minutes स्मॉल स्नैक ब्रेक लेके आप अंदर आ सकते हो। यू विल नॉट मंच फूड इन द मिडल ऑफ योर क्लासेस, और आप अंदर सबके सामने अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के अपना फूड मंच नहीं कर सकते। यू कैन क्वाइटली गो आउट, टेक अ स्नैक ब्रेक एंड कम बैक। ओके मतलब जो 2 classes के बीच में मुझे जो ब्रेक मिलेगा उसमें मैं बाहर जाके I have to just rush and finish it and come back to teach the next class. Okay. Thank you. I will remember these things and I will also write them in my schedule, in my diary, so that I do not forget. And if there are any questions, then I will ask you again. Thank you. All right. You're most welcome. Okay. Thank you. Thank you, everyone. So, yeah, we are done now.
and I hope that we'll meet again. And whatever is remaining, whatever questions have been left, and then there is a lot more to discuss, we can always do it in our next session. Thanks, everyone. All right. Thank you so much. Thank you so much, Nupur. That was a very nice, simplified session. जिसमें आप सबने सारे पार्टिसिपेंट्स को बताया कि कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स के लिए अब हम सबको अपने आप को ग्रूम करना है ना. सो वंडरफुल सेशन एंड गुड लिसनिंग. सब लोग अपने लिए क्लैप करेंगे एक बार अच्छे से स्मार्टली. क्लैप फॉर योरसेल्फ्स. एक्सीलेंट. वेरी नाइस लिसनिंग. गुड पार्टिसिपेशन. गुड इंटरेक्शन. अब हम अगले सेशंस में मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी. वन मोर सेशन विद नुपुर मैम. Three computer skill sessions with Vanda ma'am. She's also here. And uske baad we have some sessions with Meena ma'am. Theek hai? From SAP. Good, good everyone. Ishan, aapne bahut achhe questions. Very good. And we will answer them in the next session. For sure. Aaj time up ho gaya. We'll answer Ishan's questions in the next session. Theek hai? Done. Thank you very much. Bye. 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 Bye